नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। बालाघाट जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बसा हुआ है। इन दोनों राज्यों से बालाघाट जिले में आने के लिए 5 अंतर्राज्यीय बॉर्डर हैं, जिन्हें पूरी तरह सील कर दिया गया है ताकि कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति जिले में प्रवेश न कर पाए। इन्हीं में से एक सीमा के गांव कंजई में पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कलेक्टर, SP और अन्य अधिकारियों के साथ पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। साथ ही छोटे मैदानी कोरोना योद्धा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ANM आदि को 2-2 नग मास्क के अलावा एक मेडिकल किट वितरित की, जो तेज गर्मी, सड़ होने वाली बीमारी से बचने में मदद करती है। पूर्व मंत्री बिसेन ने बताया कि बालाघाट जिला फिलहाल कोरोना संक्रमण से मुक्त है और आगे भी यही स्थिति बनी रहे इसके लिए जिले की सभी अंतर्राज्यीय सीमाएं सील कर दी गई हैं ताकि कोई संक्रमित व्यक्ति जिले में प्रवेश न कर पाए। जरूरी कारणवश जिले से बाहर जाने वालों के लिए जिला प्रशासन ने पास व्यवस्था भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। आप यहीं खड़े हो जाना क्या प्लान है? ANM आशा कार्यकर्ता, हमारे स्वयंसेवी संगठन के मैदानी कार्यकर्ता, हमारे चतुर श्रेणी के हमारे जो ग्रामीण रक्षक कोटवारगण सहित सभी मैदानी हमले को एक छोटा सा पीड़ दिए, जिसमें कि तेज गर्मी से कभी कभी दस्त वगैरह हो जाते हैं, वोमिटिंग होती है, उसके लिए एक किट, इसी के साथ साथ मास्क के 2 पीस और छोटी मोटी और सामग्री के साथ में आज से पूरे बालाघाट जिले में इन्हीं हमारे सभी संस्थाओं के माध्यम से तैयार किया गया सामग्री का वितरण का काम प्रारंभ हुआ है। उसका शुभारंभ हमने यहीं अभी किया है। इसी के साथ साथ कई बार तो भाई देखने में आ रहा है कि भाई दुकानें कोई एक निश्चित समय पर खुलना, राशन के किराने की दुकान रहता है तो कुछ लोगों को आवश्यकता पड़ सकती है, उस समय में किराने की दुकान बंद हो और उसकी आवश्यकता की पूर्ति ना हो, इसलिए कुछ चले तो वहाँ